الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه حاضرين جمعة ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بزرگی اس اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق مالک پالنہار مدبر اور رازق ہے اس کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا اس کی مرضی ہوئی تو پوری دنیا رک گئی لاک ڈاؤن ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اس کی مرضی ہوئی منشا ہوئی تو دھیرے دھیرے دنیا اپنی رفتار پر آنے لگی بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر سانس کے بدلے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے
तब भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। जुमा के दिन ख़ास तौर पर और हफ्ते के बाकी दिनों में आम तौर पर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहना चाहिए। हजरत, खुतबा मसनूना के बाद सूरह बकरा की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। सूरह बकरा की इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े के अहकाम और रोज़े के मसाइल बताए। फरमाया रब्बे करीम ने, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कहे लोगों, जो ईमान लाए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, और ये न समझना कि रोज़े सिर्फ तुम पर फ़र्ज़ किए गए बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद क्या बताया, 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे भूख और प्यास बर्दाश्त करने का मकसद क्या है। ऐसी बेकार में तो नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि 14 घंटे भूखे रहो प्यासे रहो, बस मैं चाहता हूँ भूखे रहो प्यासे रहो, नहीं। क्या फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून। गौर से सुनिएगा, पूरे रमज़ान का खुलासा ये, पूरे रोज़ों तमाम इबादत तमाम क़याम तिलावत सारी नेकियाँ जो हमारी हैं जो हम मेहनत करते हैं, सारी मेहनत का खुलासा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे दिल में तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में आ जाए। है क्या रमज़ान, एक महीने की ट्रेनिंग है, एक महीने का कोर्स है, और इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद हमें किस चीज़ की डिग्री मिलती है, तकवा की डिग्री। अगर हम एक महीने का कोर्स मुकम्मल कर लें, एक महीने की ट्रेनिंग मुकम्मल कर लें, और उसके बाद भी अगर हमें इस महीने को मुकम्मल करने के बाद भी अगर तकवा की डिग्री ना मिले, तकवा हमारे दिलों में ना पैदा हो, अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर अल्लाह की खशियत हमारे दिल में ना पैदा हो, तो गोया हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मिसदाक होंगे जिस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप मिंबर पर चढ़ रहे थे, आपने 3 मरतबा आमीन कहा, इससे पहले आपको ऐसा नहीं देखा गया, क्या वजह थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था तो मेरे पास जिब्राइल आए, पहली सीढ़ी पर पैर रख रहा था तो जिब्राइल ने कहा कि तबाही हो बर्बादी हो शख्स के लिए जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा ली, आप कहिए आमीन, तो मैंने कहा आमीन। जिब्राइल ने कहा दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते वक्त, तबाही हो बर्बादी उस शख्स के लिए जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली, आप कहिए आमीन। अल्लाह के रसूल ने कहा आमीन। तीसरी मरतबा में हज़रत जिब्राइल ने कहा कि तबाही और बर्बादी उस शख्स के लिए जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे, आप कहिए आमीन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो हम एक महीना तकरीबन ख़त्म होने आया और एक महीने की ट्रेनिंग पूरी चली, खूब हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, क़यामुल लैल किया, कुरान की तिलावतें की, ज़िक्र अस्कार किया, और उसके बाद भी अगर रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए, चांद दिख जाए ईद का, और हमारा रूटीन बदल जाए, हमारी ज़िंदगियों का नक्शा बदल जाए चांद दिखते ही, तो इसका मतलब ये है कि एक महीने की ट्रेनिंग का हमारे ऊपर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ खाए पिए खुश हुए, अपने आप को थकाया, खूब मेहनत की, फॉर्मेलिटी अदा की, कुछ हासिल नहीं हुआ।
तो रोज़े का मकसद, मेरा असल टॉपिक ये नहीं है, मेरा असल टॉपिक ईद के अहकाम मसाइल है, मैं अपने मौजू पर आता हूँ। तो रोज़े का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, हम मुत्तकी बन जाएं। और ये रमज़ान ख़त्म होने के बाद पता चलेगा, चांद दिखने के बाद, कि हम कितने मुत्तकी हैं। रमज़ान चांद दिखने तक हम रहते हैं मुत्तकी, उसके बाद हमारा रूटीन वैसे ही हो जाता है जैसा हम साल भर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है शैतान से। ऐसा लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है शैतान से, फिर चांद दिखते हम अंदर आए और चांद दिखते ही बाहर चले गए। तो अभी अगर हमसे पिछले दिनों में गफलत हो गई, कोताही हो गई, सही से मेहनत नहीं कर पाए, सही से इबादतें नहीं कर पाए, तो अभी वक्त है। क्या पता अल्लाह रब्बुल आलमीन किस घड़ी हमारी दुआ को कबूल कर ले। अभी एक ताक रात भी बाकी है, शबे कदर भी बाकी है एक रात, तो हम खूब इबादतें करें। अगर हमने रमज़ान का इस्तकबाल अच्छी तरह से नहीं किया तो कम से कम हम रमज़ान को रवाना तो अच्छी तरह, मेहमान आया उसके इस्तकबाल के वक्त हम मशगूल हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कम से कम हम इतनी कोशिश तो कर लें, मेहमान अभी है उसके अच्छी से खातिरदारी कर लें और उसको अच्छे से रवाना करें, ताकि रमज़ान का रोज़ों का जो मकसद है वह हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम गिनती महीने की गिनती पूरी करो, और महीने की गिनती पूरी करने के बाद अल्लाह की बख्शी हुई नेमत पर शुक्र गुजारी करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान कर सको। जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है और हम सब ईदगाह जाते हुए जो तकबीर कहते हैं, उसी तकबीर का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में किया है। हज़रत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र एहसान है, 2 साल की आजमाइश से गुज़रने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये रमज़ान का मौका दिया। एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आया और हमें हर तरह की छूट मिली। गुज़िश्ता 2 सालों में हमारे साथ आजमाइश थी, मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, सख्तियाँ थी, हम मस्जिदों में आज़ादी के साथ इबादत नहीं कर सकते थे, लेकिन इस रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हर तरह की छूट दी, हर तरह का मौका दिया। हमने अपनी ताकत के मुताबिक जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक दी, हमने रोज़े रखे, क़यामुल लैल किया, तिलावतें की, ज़िक्र अज़कार किया, सदका व खैरात किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को कबूल कर लें। एक अहम मसला जो जुमा के दरमियान होता है कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि जब इमाम मिंबर पर चढ़ जाए तो उसके बाद हमें किसी तरह की कोई बातचीत, कोई इशारा, कोई हरकत करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ ध्यान से खुतबा सुनने की इजाज़त है। खुतबा सुनने को कहा गया, जैसे अजान इमाम मिंबर पर बैठ गया, उसके बाद कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई आके सलाम कर रहा है, कोई किसी को जगा रहा है, कोई किसी को बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें खुतबे के दरमियान ममनू हैं। क्यों? क्योंकि खुतबा ध्यान से सुनना है, इसलिए अगर हम इधर उधर की चीज़ों में लगेंगे तो खुतबा सुनने में या बयान सुनने में मसले पड़ेंगे और कुछ चीज़ों से हो सकता है हमारा ध्यान हट जाए और हम कुछ चीज़ें ज़ाय करें। लिहाजा अगर कोई सो रहा है आपके पास में, कोई बच्चा शोर कर रहा है, बच्चे को इशारे से खामोश करने की भी इजाज़त नहीं है जुमा के खुतबे के दरमियान, लिहाजा हमें इस पर अमल करना चाहिए, हम कोताही करते। और वीडियो भी अगर बनाना है तो अज़ान से पहले पहले हमें वीडियो चालू कर देना है, अज़ान होने के बाद, इमाम के मिंबर बैठने के बाद हम किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। ये वाज़े तौर पर हमें हुक्म दे, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। हजरत, हर साल ईद आता है, ईद के अहकाम मसाइल हमें बताए जाते हैं, अक्सर मसाइल हमें ईद के ताल्लुक से मालूम होते हैं, लेकिन चूँकि तज़कीर ज़रूरी है, याद दहानी ज़रूरी है, तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या अहकाम हैं जो हमसे छूट जाते हैं और वो क्या गलतियां हैं जो हमसे ईद के मौके पर हो जाती हैं। सबसे पहला मसला, सबसे पहली चीज़ जो, वो ये कि ईद एक मजहबी खुशी है और ईद मनाने को इबादत करार दिया गया। ईद एक मजहबी खुशी है और ईद मनाने को
इबादत करार दिया गया है और इस खुशी के इजहार की तालीम भी दी गई, यानी जो खुशी हमारे दिल में होती है उसे जाहिर करने का हुक्म भी दिया गया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा साहबे कराम बहादुरी के मुसाबिक़े करते थे, बहादुरी का करतब करते थे ईद के दिन। आयशा रज़ी अन्हा की रवायत मशहूर है और हज़रत अबू बकर रज़ी अन्हा ने ईद के दिन बच्चे शेर पढ़ रहे थे तो डांट दिया था कि मत पढ़ो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अन्हा को मना किया कि नहीं आज रहने दो, आज कुछ मत कहो क्योंकि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। तो ईद एक मजहबी खुशी का दिन है, हम और आपको चाहिए कि हम ईद की खुशी को मनाएं। ईद के मुख्तलिफ तरीके जो भी जायज़ हद है, जायज़ हद में रह के हम मना सकते हैं, जायज़ हद से बाहर न जाए। दूसरा मसला कि ईद के दिन गुस्ल करना मुस्तहब है। सहाबे कराम पाबंदी से गुस्ल करते थे और गुस्ल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो हैसियत दी है, जो ताकत दी है, उस हैसियत और ताकत के मुताबिक अच्छे कपड़े पहनना ये सुन्नत है। अगर आदमी के पास इस्तेताअत है, ताकत है, तो नया कपड़ा पहने ये बेहतर है, लेकिन हैसियत के मुताबिक इंसान को अच्छे और पाकीज़ा साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए ईद के दिन। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाज़ार में एक कपड़ा देखा, वो कपड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जोड़ा आप लीजिए और आपके पास जब वफूद आए, कोई डेलीगेशन आए या ईद के मौके पर, आप इस कपड़े को पहन लिया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, ये जोड़ा मुत्तकियों के लिए जायज़ नहीं है। वजह यह थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कपड़ा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए थे दिखाने के लिए, वो रेशम का कपड़ा था और रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जोड़ा मुत्तकियों के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बाकी दो बातों पर नकीर नहीं की, बाकी दो बातों पर टोका नहीं। जो दो बातें हज़रत अबू बकर ने कहा था कि इस कपड़े को आप जब कोई वफद आए तब पहन लें और ईद के मौके पर पहन लें, तो उन दोनों बातों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं टोका। तो इससे बात पता चलती है कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आपके पास कोई काफिला आए, कोई कुछ लोग आए मिलने के लिए, तो आप अच्छा कपड़ा पहन लें और ईद के मौके पर आप अच्छा कपड़ा पहने, इसमें कोई मुजायका नहीं, ये बेहतर बात है। नंबर चार, ईदगाह जाते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर ईदगाह जाते थे। ये सुन्नत सबको मालूम है, खाने पीने वाली सुन्नत हमें ज़्यादा मालूम होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ हम गलत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि ईदगाह जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक खजूरें खाकर ईदगाह जाते थे। तो ये जो हुक्म है ताक खजूरों का, ये सिर्फ ईदुल फितर के साथ खास है। ये हुक्म सिर्फ ईदुल फितर के साथ खास है, साल भर नहीं। हम साल भर ये कहें कि ताक खजूरें खाना सुन्नत है, ताक खजूरें खाना सुन्नत है, तो ये बात सही नहीं है। ताक खजूरें खाना सुन्नत है ईदुल फितर के दिन, बाकी दिनों में हम ये नहीं कह सकते कि ताक खजूरें खाना ही सुन्नत है। ताक खाएं, ताक अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी ज़ुबान से बार बार ये कलमा निकले कि ताक खजूरें खाना सुन्नत है, तो ये बात गलत है। इस बात को हमें अपने जहन से निकलना चाहिए। आम तौर पे जब भी खजूर निकलता है, खजूर लोग खाते हैं, तो लोग बोलते हैं मैं तो तीन खाऊंगा, क्योंकि तीन खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताक खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो कोई गलत बात नहीं, सुन्नत है, लेकिन सिर्फ वो उस मौके के साथ खास है, ईद उल फितर के साथ। ये बात वाज़ेह होना चाहिए। पांचवा मसला, ईदगाह अगर हमारे घर से करीब है, ईदगाह आपके घर से करीब है, या जहाँ भी ईदगाह में अगर नमाज नहीं होती, जहाँ भी आप ईद मस्जिद में अगर पढ़ते हैं, तो पैदल जाना सुन्नत है, पैदल जाना सुन्नत है। अगर आपका घर करीब हो या इतना दूर हो
कि आप जाने की ताकत रखते हैं, पैदल आने की ताकत रखते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपकी तरजीह और प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम पैदल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि हम इबादत करने जा रहे हैं, तो इबादत करने के लिए जितनी ज़्यादा सुन्नतों का अहतमाम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे हक में बेहतर रहेगा। छठा मसला ये है कि ईदगाह हम जाते हैं नमाज के लिए, मस्जिद जाते हैं, तो नमाज़ पढ़ के जब हम लौटें तो रास्ता बदल कर लौटना भी ये सुन्नत है। यानी एक रास्ते से हम जाएं और दूसरे रास्ते से हम लौटें। अगर बहुत करीब हैं तब भी कोशिश करें कि थोड़ा सा हम रास्ता चेंज करके घर लौटें, ताकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है रास्ता बदलने वाली ईद के दिन, वो हम पूरी कर सकें। आठवां मसला, ईद की नमाज मस्जिदों के अलावा मैदानों में पढ़ी जाए, ईदगाहों में पढ़ी जाए। और मैदान और ईदगाह में नमाज पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है, रौनक ही अलग होती है। तो अगर हमारे पास जगह है, हमारे पास मौका है, हमारे पास ऐसी जगह है जहां हम बआसानी ईद की नमाज अदा कर सकते हैं, तो हमें करना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मसला नहीं है। और ईदगाह में अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ न अजान है, न इकामत है, न कोई नफिल नमाज है। ईदगाह में अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई नफिल नमाज नहीं पढ़नी, यानी ईद के दिन कोई नफिल नमाज नहीं है ईद से पहले। लेकिन अगर हम मस्जिद में पढ़ रहे हैं नमाज, मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, तो हमें नफिल नमाज दो रकात पढ़नी पड़ेगी। क्यों? तहियतुल मस्जिद, क्योंकि मस्जिद के ताल्लुक से हुक्म है कि जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो और आपको मस्जिद में बैठना हो तो बैठने से पहले दो रकात नमाज पढ़ना ज़रूरी है। बिना हदीस मशहूर है कि जो भी मस्जिद में आए और बैठे तो चाहिए कि दो रकात पढ़कर बैठे। तहियतुल मस्जिद हमें पढ़कर, जब भी हम बाहर जाएं अंदर आएं, टैमुल्लैल में होता है कि हम तिलावत कर रहे हैं फिर बाहर चले गए फिर आ रहे हैं, तो हम वैसे बैठ जाते हैं। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम तहियतुल मस्जिद पढ़कर बैठे। और इसी तरह एक तहियतुल वज़ू होता है, यानी जब भी हम वज़ू करें तो अगर हम सुन्नत दो रकात सुन्नत अदा कर लें तो ये बहुत बेहतरीन अमल है। हज़रत बिलाल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि बिलाल क्या वजह है कि जन्नत में मैं अपने आगे तुम्हारे खड़ा हो यानी चप्पल की आवाज़ सुनता हूँ, कौन सा अमल करते हो, कौन सी नेकी करते हो? तो हज़रत बिलाल ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ख़ास अमल तो नहीं करता हूँ, लेकिन एक अमल की मुझे आदत है कि जब भी मैं वज़ू करता हूँ तो दो रकात सुन्नत पढ़ लेता हूँ। तो कितनी अच्छी बात है, रमज़ान में ख़ास तौर पर हम ज़्यादा अक्सर नमाज के अलावा भी बहुत सारे लोग वज़ू करते रहते हैं, कभी कुरान के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए। तो बेहतर ये है कि अगर वज़ू करें तो साथ में दो रकात तहियतुल वज़ू भी अदा कर लिया करें, तो ये भी एक फजीलत हासिल हो जाएगी। नवा मसला, ईद के दिन सहाबा कराम का ये अमल था कि जब भी सहाबा कराम ईद के दिन एक दूसरे से मिला करते थे, तो हम लोगों की तरह नहीं सिर्फ कि हाथ मिलाए, तीन बार गले मिले और साइड हो लिए, ऐसा नहीं। रस्मी कोई काम नहीं करते थे वो, जब भी एक दूसरे से ईद के मौके पर मिलते थे तो एक दुआ करते थे, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल, कि अल्लाह हमारे और आपकी नेक आमाल को कबूल कर ले। क्यों? रमज़ान भर, महीना भर नेकियाँ की, महीना भर इबादतें की, महीना भर खुद को थकाया, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई कमी रह जाए, हमसे कोई कोताही रह जाए और हमारी इबादतें बेकार हो जाएं। इसलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे। सिर्फ जश्न नहीं मनाते, सिर्फ खुशियाँ नहीं मनाते, सिर्फ ईद मुबारक के स्टेटस नहीं चलते थे। हमारे यहाँ जैसी चांद रात या एक दिन पहले भी लोग व्हाट्सअप पे एकदम बरसात हो जाती, सिर्फ ईद मुबारक, दुआ का पता नहीं है। तो सहाबे इकराम जब भी मुलाकात करते थे एक दूसरे से तो दुआ करते, उन्हें हमेशा आखरत की फ़िक्र थी, हमेशा आखरत की फ़िक्र थी। क्योंकि मालूम है कि हमें एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है, हम मुसाफिर हैं। तो हमें भी जब हम ईद के दिन एक दूसरे से मिले तो इस बात का ख्याल रखें कि हम एक दूसरे को ये दुआएं दें, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल, क्या पता किसकी दुआ लग जाए। तो इस चीज़ का एहतमाम करें। हजरत, ईद की खुशी में इस्लाम ने
ख़वातीन को खुसूसियत के साथ शरीक होने की दावत दी है। वैसे तो शरीयत ने साल के 12 महीने में मुस्लिम ख़वातीन के लिए मस्जिद के दरवाज़े खोल रखे कि वह आएँ, इबादतें करें, नमाज़ें पढ़ें, पंच वक्ता नमाज़ों के लिए वह आ सकते हैं। साल के 12 महीने में इस्लाम ने औरतों को ये इजाज़त दे रखी है। लेकिन ईद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुखातब करके कहा कि औरतों को चाहिए कि वो लोग ईदगाह जाएँ, और यहाँ तक के हैज़ वाली औरतों को भी हुक्म दिया कि वो ईदगाह जाएँ, नमाज में शामिल ना हो लेकिन दुआ में शामिल हो, क्योंकि वहाँ रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते दुआएँ करते हैं। तो औरतों को एहतमाम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आम तौर पर एहतमाम होता है, लेकिन फिर भी कोताही नहीं बरतना चाहिए और खुसूसी एहतमाम करना चाहिए औरतों को। बस औरतों के लिए बात अहम है कि चाहे मस्जिद आएँ, चाहे ईदगाह आएँ, सादगी के साथ आएँ, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके ना आएँ, बन सवर कर ना आएँ, ज़ेवरात, खुशबू, फूल, बेपर्दा ना आएँ। ऐसा आना जायज़ नहीं है, और ऐसे आने से बेहतर है ना आना। ऐसी ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार कर सकती हैं औरतें जो बुरके से ढक जाए, ऐसी ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार कर सकती हैं जो बुरके से ढक जाए। लेकिन बेहतर ये है कि इबादत के लिए आ रहे हैं तो आएँ सादगी के साथ, इबादत करें, इबादत करके घर लौटें तो ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार कर लें, कोई नहीं। एक ख़ास हुक्म जो हमें ईद के मुनासबत से दिया गया है वो सदक़तुल फ़ित्र का है। हमेशा अक्सरियत सदक़तुल फ़ित्र की अहमियत को जानती है। सदक़तुल फ़ित्र हर मुसलमान, बालिग, आकिल, छोटे बच्चे, मर्द औरत सब पर फ़र्ज़ है। यहाँ तक के अगर ईदगाह जाने से पहले भी किसी बच्चे की विलादत हो जाए तो उस बच्चे की जानिब से भी सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहिए। और ये क्यों होता है? ये हमारे रोज़ों को पाक करने के लिए होता है। हमारे रोज़ों में जो कमियां रह गई, जो कोताहियां हो गई, जो ख़ताएँ हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से हमारी इन कमियों को, हमारी इन ख़ताओं को पाक कर देगा। और दूसरा तुअमतुल मसाकिन, कि ईद का दिन खुशी का दिन होता है तो ये मिस्कीनों के लिए खाना हो जाएगा। ईद का दिन खुशी का दिन होता है तो खुशी का हक सिर्फ अमीरों के पास नहीं है, सारे मुस्लिम माशरे को खुशी का हक है, तो सारा मुस्लिम माशरा खुश हो, इसलिए ये मिस्कीनों के लिए खाना हो जाएगा, उनका चूल्हा जल जाएगा, वो भी ईद के दिन खुश हो जाएंगे, वो परेशान हाल नहीं रहे। वक्त क्या है ईद सदक़तुल फ़ित्र के अदायगी का? जो बेहतरीन वक्त है वो ये कि चाँद दिखने से, मगरिब से, ईदगाह जाने से पहले पहले तक, लेकिन शरीयत ने एक दो दिन पहले भी सदक़तुल फ़ित्र अदा करने की इजाज़त दी है सहाबा से, इसका अमल साबित है। और एक सा यानी तकरीबन 2.5 किलो जो अनाज वगैरह दिया जाता है, एक बात, बहुत से लोग कीमत देते हैं, बहुत से लोग अनाज देते हैं, और ये इख्तलाफी मसला है उल्मा के दरमियान भी कि कीमत दी जाए, अनाज दी जाए, तो बेहतर ये है कि अनाज दिया जाए। क्यों? क्योंकि हदीस से साबित है, कीमत अगर देंगे तब भी अदायगी हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखें कि बेहतर अनाज देना ही है, क्योंकि हदीस में उसी चीज़ की बात आई है। तो ये चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले, और हम बस यही कोशिश करें कि जितने दिन हमारे बचे हैं खूब इबादतें कर लें, खूब मेहनत कर लें, कोताही में ना पड़े, सिर्फ शॉपिंग ना करते रहें, थोड़ा सा मौका है इबादत कर लें, और अपने दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा कर लें, वरना हमारे रमज़ान का मकसद ज़ाय हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह हमने रमज़ान में जो टूटी फूटी इबादतें की हैं उन इबादतों को तो कबूल फरमा ले। दुनिया में जहाँ भी मुसलमान परेशान हों,
मज़लूम हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, हम में से जो लोग कर्ज़दार हों उनकी कर्ज़ की अदाई करवा दे, हम में से जो लोग बीमार हों उनकी बीमारी को दूर फरमा दे। आमीन। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।